Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with question number 23. And the students who are watching this video for the first time, please refer the description below. Question 23 relates to set off and carry forward of losses. Let's read the question first. And it says, Mr. Gurk, a resident individual, furnishes the following particulars of his income and other details for the previous year 18-19. Income from salary 15,000, income from business 66,000 before providing depreciation. This means कि अगर इसमें से current year depreciation minus नहीं किया गया है और in case अगर current year depreciation दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको current year का depreciation minus करना है. Third point says long-term capital gain on sale of land 10,800, loss on maintenance of race horses. ये पहला loss आया, अभी तक 1, 2, 3 में profits ही थे. Third में loss है on maintenance of race horses. आपको पता है loss from owning and maintaining race horses set off हो सकता है सिर्फ race horses के ही profit से. तो यहाँ पर क्योंकि race horses के profits नहीं दिए गए हैं तो this loss will be carried forward और कितने साल तक carry forward हो सकता है for next 4 assessment years. आप इसको 4 साल तक ही carry forward कर सकते हैं. I am repeating, these losses can be set off only from owning and maintaining race horses profits. Fifth point is loss from gambling. This is a casual income loss. Casual income हो जाती अगर gambling से profit आता, taxable at a rate of 30%. बट ये लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है. अगर आप कैजुअल इनकम या कैजुअल नेचर का कोई भी लॉस हो जाता है दैट इज अ डेड लॉस. आप उसको किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपने कहीं पर भी कैसीनो में गए और वहां पर अगर आप पैसे जीते दैट इज योर कैजुअल इनकम. उसके ऊपर 30% टैक्स देना है. बट आप कैसीनो में गए थे, आपके 10,000 रुपीज खर्च हो गए और आप वहां से कुछ भी जीत नहीं पाए तो 10,000 the loss which you have incurred is a dead loss. उस लॉस का कुछ भी नहीं होगा, ना तो वो किसी इनकम से सेट ऑफ होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा. सो इन दिस केस लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग विल नॉट बी ट्रीटेड एनीवेयर एंड यू विल गिव अ नोट दैट इट इज अ डेड लॉस, विल नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी ऑफ द इनकम. आगे दिया गया है लास्ट ईयर के कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. लास्ट ईयर का अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था 11,000. आपको पता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए और किसी भी हेड से सेट अप हो सकता है अदर देन सैलरी एंड कैजुअल इनकम. तो आप इसको सैलरी के अलावा किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं. तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 11,000 है. इस साल के बिजनेस इनकम से वो आराम से सेट ऑफ हो सकता है. लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 22,000 रुपीज का ये कैरी फॉरवर्ड होता है 4 साल के लिए और किसी भी सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम से ही. तो लास्ट ईयर का लॉस था 22,000 स्पेक्युलेटिव बिजनेस का. आप इसको इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे. रीजन भी देयर इज नो स्पेक्युलेटिव इनकम. थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 9,800. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो वो अगले साल सेट ऑफ हो सकता है कैपिटल गेन की इनकम से. अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाता है और अगर लॉन्ग टर्म का लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म से ही हो सकता है. आई एम रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है लास्ट ईयर का जो इस साल सेट ऑफ हो सकता है कैपिटल गेन की इनकम से और इस साल कैपिटल गेन की इनकम आप ऊपर थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं 10,800 है. यहां से आप सेट ऑफ कर दीजिएगा तो इस तरीके से आपकी जीडीआई आ जाएगी. बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं. कभी भी आपको सेट ऑफ का क्वेश्चन आए तो हमेशा रफ में 1 मिनट का टाइम लीजिए और हमेशा रफ वर्क में. रफ वर्क क्या होता है? जो अपनी शीट के आंसर शीट के लास्ट पेज पर आप करते हो और उसको कट करके आ जाते हो. वहां पर जल्दी से छोटा सा एक कैलकुलेशन करके रफ कैलकुलेशन करके देख लीजिए मैं किसको किससे सेट ऑफ करूंगा. जैसे कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का इस साल पीजीपी में सेट ऑफ हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो रहा है. तो हमेशा रफ में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा. पहले रफ में देख लीजिए कि आप किसको किससे सेट ऑफ करेंगे और फिर अपनी फेयर प्रेजेंटेशन कीजिए. मैं इस वीडियो के एंड में आपको फेयर प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ. आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप अपने क्वेश्चंस रेगुलरली कर रहे हैं। बाय एंड टेक केयर।